हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो आज मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आज तक पूछे गए हैं एसएससी जेई एग्ज़ाम में। और इसके साथ साथ जो है, जो कि आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं मुझसे कि IUPAC नेम्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो कैसे लिखे जाएँ, तो वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो क्वेश्चंस तो मैं सारे बताऊंगी ही बताऊंगी आपको, जो आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। आई विल ऑल्सो डिस्कस हाउ टू राइट IUPAC नेम सो दैट यू डोंट हैव टू क्रैम देम। आप जो है उनको समझ लीजिए, ताकि आप किसी का भी नाम जो है आसानी से लिख सकें या पहचान सकें। इसके अलावा जो है, देखिए केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पहले नहीं आते थे एसएससी जेई में, बट अभी रिसेंटली जो लास्ट टू एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे जाने लगे हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो IUPAC नेम्स पे और आपके जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और आपके जो है रिएक्शंस के ऊपर जो है वो पूछे जा रहे हैं और कॉमन नेम्स। तो ये जो टॉपिक हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में जो है डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस बताऊंगी आपको और साथ में IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि कुछ भी समझाएं, आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी ही करनी पड़ेंगी। कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि टाइम भी कम है, आप लोगों के भी पास कम है, तो इसलिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं बस वही मैं बात करूँगी। तो IUPAC नेम लिखने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी पेरेंट चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो जो है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके हिसाब से आपका मेन नेम आएगा। देखिए इसको समझाने के लिए इसमें मैं बता सकती हूँ प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और जो है रूट, ये सब बता सकती हूँ, पर ये सिर्फ आपको जो है परेशान करेंगे, डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। तो मैं सिर्फ लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊँगी कि कैसे लिखना है नाम। तो पहले आपको ये पहचानना है कि आपकी जो मेन चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो उसमें कितने कार्बन हैं। तो अगर एक कार्बन है तो मीथ से नाम देंगे आपका, जैसे कि मीथेन। और अगर दो कार्बन है तो ETH यूज़ करेंगे, जैसे कि इथेन। तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हर केस में एन नहीं होगा, आपके पास जो होते हैं एल्केन होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें, फिर एल्कीन होते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और फिर एल्काइन होते हैं। तो ये जो एल्क पार्ट है इसकी बात हो रही है। तो अगर एक कार्बन है तो मीथ यूज़ होगा, दो है तो ईथ, फिर प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। तो ये याद रख लीजिए, आठ कार्बन तक याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि IUPAC नेम में, IUPAC की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम्स में जो ये फंक्शनल ग्रुप मैंने मेंशन किए हैं इस लिस्ट में, ये हमेशा जो है एज अ सफिक्स यूज़ होंगे, यानी कि सपोज आपका मीथेन है या जो भी है, उसके बाद जो लिखा जाएगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा। कैसे लिखा जाएगा अभी उस पर आएंगे हम, अभी सिर्फ मोटा मोटा समझिए। तो वट एवर यू आर गोइंग टू राइट एज योर सफिक्स, यानी कि पेरेंट चेन के बाद जो भी लिखना है वो जो है इसमें से चूज होगा, अगर ये प्रेजेंट है तो। अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, और अगर इसमें से कुछ प्रेजेंट है तो वो हमेशा जो है सफिक्स की तरह यूज़ होगा। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट भी मैं अभी आपको देती हूँ, ये लिस्ट जो है आपको ध्यान रखनी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ तो ओल लगाएंगे, यानी कि जैसे मीथेन के साथ अगर मैं अटैच कर दूँ तो ये बन जाएगा मिथेनॉल, ई आपका हट जाएगा। इसी तरह अगर CHO ग्रुप अटैच है तो इसमें आपका AL लग जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा मिथेनल। और इसी तरह C डबल बॉन्ड O अटैच है तो ओन लग जाएगा लास्ट में, और अगर COOH है तो ओइक एसिड लग जाएगा लास्ट में, अगर NH2 है तो अमाइड लग जाएगा लास्ट में, अगर COCl है तो ऑयल क्लोराइड लग जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंस है, COOR है अगर तो आपका जो ये R ग्रुप है, ये जो होगा एल्केन ग्रुप जो भी होगा, ये एल्काइल ग्रुप जो भी होगा, अभी एक एग्जाम्पल दूंगी आप चिंता मत कीजिए, मोटा मोटा समझिए अभी। तो जो ये एल्काइल ग्रुप है आपका वो पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है वो बाद में आएगा OH के साथ। तो अभी बताऊंगी कैसे लिखेंगे इसको। और उसके बाद जो है आपका
CN अगर है तो नाइट्राइल, SH है अगर तो थियोल, और NH2 है तो अमीन। तो ये जो है आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनसे नाम जो है आपका ऐसे मॉडिफाई होता है, तो इस बात का जो है आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए उसके बाद जो है ये है आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होते हैं, तो NO2 अगर लगा हुआ है तो नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड N डायजो, OR से एल्कोक्सी, और OCH3 से मिथॉक्सी, OC2H5 से इथॉक्सी, CH3 मिथाइल, और ये CH2CH2CH3 आपका N प्रोपाइल। अभी N क्या है? N का मतलब है नॉर्मल प्रोपाइल यानी कि स्ट्रेट चेन। उसके बाद आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल हो गया आपका ब्रांच्ड। उसके बाद आपका ब्यूटाइल के केस में आपका नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल तो होता ही है, टर्चरी ब्यूटाइल भी होता है जो कि कंप्लीटली ब्रांच्ड होता है, तो इनका भी ध्यान रखेंगे। अभी एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो तीन टेबल मैंने आपको बताई हैं ये तो आपको याद करनी है। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ, सपोज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हम लोकेंट देते हैं, नंबर जो है अलॉट करते हैं कि किस पोजीशन पे जो है, किस कार्बन की पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है और किस पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसकी नंबरिंग कैसे करें, लेफ्ट साइड से शुरू करें या राइट साइड से शुरू करें? तो देखिए वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप को जो है मिनिमम नंबर मिले। तो दोनों में से प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी, काउंटिंग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और उसके बाद जो है आप जाएंगे दूसरी तरफ, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट है और आपका जो पेरेंट ग्रुप है वो एल्कीन है, तो काउंटिंग जो है हमेशा वहाँ से शुरू होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। इसी तरह अगर एल्काइन भी है तो भी काउंटिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जनरल रूल्स हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, बट मैंने देखा है पेपर आपका, तो यकीन मानिए बहुत ही आसान IUPAC नेम पूछे जाते हैं, उसमें आप गलती कर ही नहीं पाएंगे जब एक बार ये आप सीख लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो पहली बात जो है आपकी मीथेन या फिर एल्केन की अगर मैं बात करूँ तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और आपका मीथेन जो है सबसे छोटा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका वो है CH4। आई होप आपको पता होगा कि कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो दे कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जब 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं तो सी जो है स्टेबल हो जाता है, इस जो है ये और बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो यानी हर सी के साथ आप 4 चीज़ें अटैच कर सकते हैं, तो विद सिंगल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 चीज़ें और अटैच कर सकते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 चीज़ और अटैच कर सकते हैं। तो ये आपका मिथेन हो गया। अगर मैं एक और कार्बन ले लूँ तो एक तो कार्बन कार्बन हो गया, तो आपका हाइड्रोजन इस तरीके से आ गया, तो आपका हो गया C2H6, तो ये आपका हो गया इथेन, राइट। इसी तरीके से प्रोपेन में आपके 3 कार्बन आ जाएंगे, और इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। अब इसी में अगर हम डबल बॉन्डिंग की बात करें यानी कि एल्कीन की बात करते हैं, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है CnH2n, और आपका जो मीथीन तो होता ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे आप, तो सिंगल कार्बन का नहीं होता है, तो ये शुरुआत ही जो है इथीन से होती है, तो इथीन आपका जो है ये है। इसको मैं खोल के बताती हूँ क्योंकि सबसे जो समझ आने वाला तरीका होता है वो यही होता है कि इसको आप खोल के लिखें। तो ये आपकी इथीन हो गई। उसके बाद जो है आपका इसी तरीके से फिर तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है एल्काइन। अब ये देखिए अगर मेरे को लिखना है, ये तो आपकी इथीन हो गई, अगर मुझे प्रोपीन लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही कार्बन्स के बीच में आप जो है डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक के बीच में डबल बॉन्ड आते ही जो है आपका ईन लग जाता है, तो ये जो आपका बना प्रोपीन, तो ये आपका है प्रोपीन, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह एल्काइन में जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें, तो दिस इज इथीन इथाइन, और उसके बाद प्रोपाइन आ जाएगा आपका।
तो प्रोपाइन आपका जो है ये आपका प्रोपाइन हो गया। तो इस तरीके से जो है याद रखिएगा इनको। उसके बाद जो है ये कहाँ लगा हुआ है उसकी उसका भी जो है हम पोजीशन बताते हैं। और अगर सपोज़ एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो फिर हम यूज़ करते हैं डाइईन का या डायन का। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सपोज़ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका, तो आप कहीं से भी काउंट कीजिए, काउंटिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड को जो है कम से कम नंबर मिले। लेकिन इस केस में आप दोनों ही तरफ से अगर काउंटिंग शुरू करें तो देखेंगे कि दोनों ही तरफ से जो है बराबर नंबर मिल रहे हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेती हूँ मैं, 1 2 3, तो 3 सेकेंड पोजिशन पर है आपका ये, तो ये आपका जो है हो गया ब्यूट 2-ईन, तो सेकंड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब मैं अगर ये कंपाउंड लिखती हूँ आपका, तो अब देखें इसमें दो हैं डबल बॉन्ड, तो किस तरीके से लिखेंगे आप, चार कार्बन है तो ब्यूट आएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करूँगी क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना है, तो 1-2, तो 1 पे भी है डबल बॉन्ड और 2 पे भी है, और कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, तो डाइन। तो इसको लिखेंगे आप ब्यूट 1-2 डाइन, तो इस तरीके से लिखेंगे आप इनको। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं कि इन्हीं कार्बन चेन्स में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो क्या चेंज आते हैं। तो सपोज़ ये आपका CH ग्रुप है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल आपका जो है ब्यूटेन था, पर उसको मैंने ब्रांच कर दिया, तो इसका नाम क्या चेंज हो गया। तो इसका नाम ऐसे चेंज होगा कि ये आपकी जो है पेरेंट चेन मानी जाएगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स जो लाइन में है वो आपकी पेरेंट चेन होगी, और बाकी जो साइड ग्रुप होगा वो हमेशा लोअर नंबर ऑफ कार्बन का होगा। अभी इसमें भी मैं आपको समझाती हूँ क्या डिफरेंस है। तो इसमें 1-2-3, तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन है, और जो इस तरीके से साइड में अटैच हो जाता है उसे हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्योंकि मिथेन है तो मिथेन साइड में अटैच हो रखी है, तो मिथाइल कहेंगे इसको, तो ये मिथाइल पहले लगेगा बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। उसके बाद जो है आपका कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है, 1-2, दोनों तरफ से ही काउंट कर लो, 2 पे ही है, तो हमेशा काउंटिंग वहाँ से शुरू करोगे तब मिनिमम नंबर मिले आपको जहाँ पे आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो 2 पे लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया ये। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूँ तो ये आपका हो जाएगा 2 मिथाइलीन प्रोपेन, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इसी तरीके से ये कुछ जो है मेजर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के साथ ही बनाया है लेकिन अब 2 कार्बन का एटम लगा दिया है तो ऑब्वियसली ईथ लगेगा, तो 2 पे ही है तो 2 ईथ इथाइल भी लगेगा, तो इथाइली डीन हो जाएगा ये प्रोपेन। तो ये आपका हो जाएगा 2 इथाइली डीन प्रोपेन। और उसके बाद जो है अगर ये चीज है, तो आपका हो जाएगा ये 2 इथिनाइल प्रोपेन, या फिर इथिनाइल को विनाइल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, इथिनाइल को विनाइल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इथिनाइल प्रोपेन, जब डबल बॉन्ड जो है, जब इथीन आपने लगा दिया है
एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो जब इथीन आपने सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाया है तो ये हो जाएगा टू इथिनाइल प्रोपेन, और जब आपने इथेन लगाया है लेकिन डबल बॉन्डिंग के साथ लगाया है तो वो हो जाएगा इथाइली डीन प्रोपेन. इसी तरीके से अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो ये हो जाएगा आपका टू इथाइनाइल प्रोपेन. तो ध्यान रखिएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के नाम कैसे लिखने हैं, क्योंकि ये भी आते हैं. और उसके बाद जो है, अब मेरे को आपको बताना है कि ब्रांच चेन को आप कैसे पहचानेंगे. तो सपोज मैंने लिखा है तो इसका क्या नाम होगा. तो ये जो है, अगर आप इसको पेरेंट चेन माने तो क्या इसका नाम होगा, टू. और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो टू इथाइल प्रोपेन होगा इसका नाम. या फिर मैं इसको मेन चेन मानूं तो ये तो फोर है और ये टू पे ही लगा हुआ है, तो क्या इसका नाम टू मिथाइल ब्यूटेन होगा. कौन सा नाम सही है, तो देखेंगे आप कि ये नाम सही है, क्योंकि आप इसको घुमा के इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं. कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आएगा आपके स्ट्रक्चर में. आप इसको जो है चेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेरेंट चेन हमेशा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की होगी. इस बात को जो है आपने ध्यान में रखना है. आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं. जैसे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो नाम कैसे चेंज होता है. तो CH3 CH2 NH2. ठीक है, तो NH2 के लगने से क्या बन गया, एमीन बन गया. कितने कार्बन है, तीन है, तो क्या यूज करोगे, प्रोप. तो प्रोपेन अमीन, तो प्रोपेन अमीन बन गया ये. या फिर ये फर्स्ट पे लगा हुआ है तो प्रोपेन वन अमीन भी कह सकते हैं इसको. ओके, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि कोई भी जो है एम्बिग्विटी नहीं है कि लोकेशन में कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो है नहीं, तो और NH2 जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है, तो उस केस में प्रोपेनामीन भी यूज जो है आप कर सकते हो. हाँ, अगर ये इस तरीके से होता ये यहाँ पे जो है मैंने गलत लिख दिया है, ये CH3 CH2, और ये भी 2 होना चाहिए. तो ये CH3 CH CH3 NH2. तो अगर ये होता यहाँ पे तो मेरे को ज़रूर लिखना होता कि प्रोपेन 2 एमीन, क्योंकि यहाँ मुझे स्पेसिफाई करना है कि जो आपका एमीन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे अटैच है. तो उस केस में ये लिखना ज़रूरी है. अगर फर्स्ट पे ही अटैच है और कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है तो उस केस में आप वन को अवॉइड कर देंगे. अब इसी तरीके से अगर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा दिया तो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा है. तो 1 2, तो क्या होगा इसका, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज़ होगा, तो 2 क्लोरो, यानी कि क्लोरीन एटम जो है आपका सेकेंड कार्बन पर लगा हुआ है, 2 क्लोरो. और ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो ईथ लगेगा, ईथे 1 ऑल, क्योंकि अब आपको स्पेसिफाई करना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है. तो 2 क्लोरो ईथे 1 ऑल, ईथेन 1 ऑल, तो ये आपका इस केस में बन जाएगा. इसी तरीके से अगर एसिड लगा हुआ है तो उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सपोज ये है आपका एसिड, तो इसके साथ आपने जोड़ दिया CH3, तो इसका नाम कैसे करेंगे. तो देखिए, इस केस में
बेशक आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ये कंप्लीट है, बट ये कार्बन जो है वो पेरेंट चेन के नंबर ऑफ कार्बन्स में ऐड होगा। यानी इस केस में बेशक ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फिर भी इसके नाम में हम इस कार्बन को ऐड करेंगे, तो ये इसमें जो है दो कार्बन है आपके, तो यानी कि ये ईथ लगेगा, इथेन और ओइक एसिड। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उस केस में वो कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट होता है। तो ये मिथेनोइक एसिड नहीं है, ये इथेनोइक एसिड है। तो मिथेनोइक एसिड क्या होगा? मिथेनोइक एसिड जो होगा वो आपका सिंपल ये होगा, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें और कार्बन नहीं लगेगा, तो मिथेनोइक एसिड आपका सिंपल यही होगा। उसके बाद जो है अगर हम ओन की बात करें जिसमें ओन लगता है, तो आपका जो है सपोज ये कंपाउंड है, तो आपका फंक्शनल ग्रुप जो है ये है, और ये किस प्लेस पे लगा हुआ है? सेकंड प्लेस पे लगा हुआ है। तो आपका जो है इस केस में ये कार्बन भी ऐड होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की ये चेन बनेगी आपकी। तो ये आपका हो गया 5 से बन गया आपका पेंट, तो पेंटेनॉन तो हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। और कौन से पे लगा हुआ है? दो पे लगा हुआ है, तो 2 पेंटेनॉन हो गया आपका इसका आंसर। इसी तरीके से अगर OH लगाना है तो कैसे करेंगे आप, कि ये आपका है, तो आप देखेंगे कि जो भी ग्रुप आपका O से अटैच होगा, इससे अटैच होगा, उसको तो आप एल्काइल में लिखेंगे और रेस्ट चेन जो है आपकी उसको OH में लिखेंगे। तो ये आपका जो है ये ग्रुप अटैच है तो मिथाइल, और इसको ये दो कार्बन का है तो इथेनोएट। तो ध्यान देंगे जो ऑक्सीजन से अटैच है ग्रुप वो एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, और जो रेस्ट बच गया आपका वो उसके आगे आप OH लगाएंगे। तो इस तरीके से आप नाम लिखेंगे इनका। इसी तरीके से अगर आपका ये है तो कितने कार्बन है? दो कार्बन, तो ईथिल यूज होगा, तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें भी जो ये कार्बन है आपका वो इसमें काउंटिंग में इंक्लूड होगा। इसी तरीके से जो है अगर ये लिखूं मैं, तो इस केस में भी आप देखेंगे ओ से क्या अटैच है? ईथ अटैच है, और ये क्या है? ये आपका प्रो है, तो आपका आएगा इथाइल प्रोपेनोएट। तो अब आप समझ गए हैं किस तरीके से लिखना है इसको। फंक्शनल ग्रुप्स की नाम को ज़रूर याद रख लीजिएगा, नहीं तो उसके बिना मुश्किल होगी आपको करना। तो आगे चलते हैं। तो अब मान लीजिए आपका नाइट्राइट जुड़ गया है, तो ये आपका नॉर्मल चेन है और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो N प्रोपाइल नाइट्राइट। और इसी को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं और इस नाइट्रो ग्रुप को, नाइट्राइट ग्रुप को मैं यहाँ जोड़ दूं, तो ये आपका हो जाएगा ब्रांच्ड हो गया, तो आइसो प्रोपाइल नाइट्राइट हो जाएगा। तो ये आपका N आईएसओ में फ़र्क होता है। और इसी तरीके से जो है आप ये नोमेनक्लेचर करेंगे। तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे होगा ये। अब देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि नाम दिया हुआ था और फॉर्मूला भी दिया हुआ था, आपको सिर्फ ये बताना था कि ये फॉर्मूला इसका है या नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, फिनॉक्सी हेप्टेन। तो फिनॉक्सी हेप्टेन का मतलब है कि हेप्टेन के साथ नंबर 1 कार्बन पे आपका जो है फिनॉल ग्रुप जो है वो अटैच है। फिनॉल ग्रुप क्या है आपका? C6H5O। तो जब ये आपका अटैच होता है
तो ये बन गया फिनॉक्सी, तो इसकी वजह से आ गया फिनॉक्सी, और मेन चेन आपकी आ गई हेप्टेन। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो C6H5O, और उसके बाद हेप्टेन में कितने कार्बन है आपके, 7, और ये आपके हो जाएंगे 14 प्लस 2 16, तो C7H14 बनना चाहिए आपका फॉर्मूला, तो इसमें नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद इथॉक्सी बेंजीन, यानी कि जो ऑक्सी ग्रुप है वो इथॉक्सी लगा हुआ है। इथॉक्सी का क्या मतलब हो गया, इथॉक्सी मतलब दो कार्बन, तो C2H5 लगा हुआ है इसका मतलब आपके, तो और इथॉक्सी, और उसके साथ में किसके साथ लगा हुआ है, ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन है आपका C6H6, तो देखेंगे कि क्या ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। तो यानी कि जो ऑक्सी ग्रुप में आपकी जो है इथेन लगा हुआ है, तो आप देख, और दूसरा जो है पेरेंट चेन आपकी बेंजीन है, तो बेंजीन तो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये जो है ये देखेंगे आप, तो ये ईथ नहीं हो सकता, क्योंकि ईथ का मतलब है दो कार्बन एटम, यहाँ कितने हो गए, 6, तो यहाँ हो गए और एक, ये 7 कार्बन एटम हो गए, तो यानी कि ये फॉर्मूला भी आपका गलत है। उसके बाद 1-मिथॉक्सीप्रोपेन, यानी प्रोपेन के फर्स्ट उस पे जो है आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये आपकी प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन एटम्स की एल्केन, और उसके बाद ओ से आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया इसका आंसर। उसके बाद प्रोपेन 1-ऑल, तो ये आपका 3 कार्बन चेन का हो गया प्रोपेन, और पहले ही कार्बन पे आपका लगा है एल्कोहल, तो ये आपका हो गया प्रोपेन 1-ऑल, तो ये भी ठीक है, यानी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब बताइए आईयूपीएसी नेम बताइए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब है कि आपके ब्यूटेन पे, क्योंकि पहले जो है क्लोरीन को एज अ सफिक्स यूज़ किया जाता था, तो इसका ये पहले आ जाएगा, तो क्लोरो पहले आ जाएगा, और क्योंकि ब्यूटाइल है यानी कि ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन बाद में आ जाएगा, और सेकेंडरी यानी सेकेंडरी कार्बन पे लगा हुआ है, तो 2-क्लोरो-ब्यूटेन इसका जो है आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। उसके बाद हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड आर यूज टू मेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, तो दे आर यूज टू मेक नायलॉन 6-6, इथीन तो आपको पता ही है, इथीन इज CH2 CH2, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन, और इसमें हायर एल्कीन्स भी ऐड कर दी जाती हैं कई बार। उसके बाद जो है आपका आता है मेलामाइन, तो मेलामाइन जो है वो आपका है C3H6N6। तो इस तरीके के और कुछ फेमस चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करूँगी। अब फॉर्मूला दोबारा से देख लेते हैं, प्रोपेन 2-ऑल, तो पहले प्रोपेन लिख लेंगे, तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन एटम, और उसके बाद सेकंड पे, तो यहाँ से काउंट करूँ या यहाँ से, बीच में ही आएगा, सेकंड पे आपका लगा है ऑल, यानी कि OH ग्रुप, राइट, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक H आ जाएगा, तो H3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका बन गया C3H7OH। तो देख लीजिए क्या ये है, तो नहीं है ये। उसके बाद जो है 1-ब्रोमो 2-2-डाईमिथाइल प्रोपेन, तो 1-ब्रोमो यानी फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और 2-2-डाईमिथाइल, और सेकंड कार्बन पे 2-2-मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं प्रोपेन के, तो प्रोपेन लिख लेंगे पहले, ये आपकी प्रोपेन हो गई। अब सेकंड कार्बन एटम पे डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, और पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब यहाँ से काउंट करो तो भी पहला दूसरा ये है, यहाँ से करो तो भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी तरफ लगा लो, तो यहाँ लगा लो, तो ये आपका बन गया, या यहाँ लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी, तो ये आपका बन गया CH2 CH3, तो ये आपका बन गया CH3 CH3 CH3, तो ये 3 CH3 आपके ये हैं, और उसके बाद जो है एक सिंगल कार्बन, फिर CH2 और फिर Br, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला आपका जो है बिल्कुल सही फॉर्मूला है। उसके बाद मिथेनल
तो आपको मैंने बताया ही था कि ये कार्बन भी जो है वो यूज़ होता है, तो सिंगल जब मीथेन की बात करेंगे तो एक और CH3 नहीं लगेगा, तो मीथेनल यही है। इसी तरीके से मीथेनॉल भी जो है आपका, ये जो है वो मीथेनॉल हो जाता है। पेंटेनल देख लेते हैं, पेंटेनल का मतलब पांच कार्बन, इसमें पांच कार्बन है ही नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आगे देखेंगे, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एन प्रोपाइल फ्लोराइड, तो पहले तो फ्लोरीन को जो है आप पहले लगा देंगे तो वो हो जाएगा फ्लोरो, और एन प्रोपाइल का मतलब है नॉर्मल प्रोपेन, तो नॉर्मल प्रोपेन का मतलब है नॉर्मल प्रोपेन, और नॉर्मल का मतलब है कि सिंगल चेन है तो यानी कि पहले पे ही लगा होगा, तो वन फ्लोरो प्रोपेन स्ट्रेट चेन है। फॉर्मूला फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन, तो देखेंगे ब्यूटा डाइन, डाइन का मतलब है कि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ब्यूट का मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन बना लेंगे पहले। फर्स्ट, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड थर्ड, ये थर्ड कार्बन है, तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे आपका जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, तो अब इसको फॉर्मूले को लिख लीजिए आप, क्या फॉर्मूला बना, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, देख लीजिए कौन से में ये सेट सेट हो रहा है, तो ये रहा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज दी हाइएस्ट एटॉमिक नंबर, तो लेड हैज दी हाइएस्ट एटॉमिक नंबर, मैं नेक्स्ट पे जब पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगी तो ये सब आपको बताऊंगी तरीके कि कैसे याद रखें। उसके बाद जो है 2-ब्रोमोप्रोपेन, तो 2-ब्रोमोप्रोपेन क्या हो गया कि ये आपका प्रोपेन हो गई तीन कार्बन की, और 2 यानी यहाँ लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, तो ये देख लीजिए इसमें तो कहीं ब्रोमीन है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। प्रोपेन 1-एमीन, यानी प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, तो दिस इज़ योर प्रोपेन और उसमें एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ठीक है। डाइक्लोरो, तो 2 क्लोरीन है, हो सकता है मीथेन, तो ठीक है 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन लगा दिए, बिल्कुल सही है, डाइक्लोरो मीथेन। तो अब इसको देख लेते हैं, 4-मिथाइल-पेंट-3-ईन-2-ओन, तो ये फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूले में ब्रोमीन दे रखा है जबकि यहाँ कहीं ब्रोमीन का जिक्र ही नहीं है, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको आगे चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो आंसर है आपका सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल ब्रोमाइड, तो एलाइल ब्रोमाइड जो है आपका वो आपका हो जाता है C3H5Br, जी हाँ एलाइल जो होता है वो आपका प्रोपाइल ब्रोमाइड को कहते हैं, तो एलाइल ब्रोमाइड जो आपका होता है वो 1-प्रोपाइल वो 3-प्रोपाइल ब्रोमाइड को कहते हैं, तो इस केस में जो है आपकी नंबरिंग वहां से होगी जहां आपका डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 3-प्रोपाइल ब्रोमाइड को जो है एलाइल ब्रोमाइड कहते हैं, तो एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला जो है आपका ये होगा, तो देख लीजिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा 3-ब्रोमो-प्रोपीन, तीन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो 3-ब्रोमो और ये क्या है पेरेंट चेन आपकी ब्रोमीन है, प्रोपीन है, तो 3-ब्रोमो-प्रोपीन। उसके बाद हेक्सा मिथाइल लीन डाई एमीन, तो यानी कि 2 एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, और वो जो है मिथाइल लीन ग्रुप जो है आपका क्या है वो CH2 ग्रुप है, और कितने हैं वो 6 हैं, तो हेक्सा यानी कि 6 मिथाइलीन ग्रुप्स और 2 एमीन ग्रुप, राइट, तो आपका जो है ये वाला आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बोरोन है इसका आंसर, अगेन ये इस तरीके से नहीं पता चलेगा आपको, इसके कुछ तरीके होते हैं याद करने के जो मैं अगली मैं जिसमें पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगी वहां बताऊंगी। इथेनल 2 कार्बन और एक आपका जो है CHO, तो CHO का कार्बन भी क्योंकि कैलकुलेट हो इसी में जो है होगा, तो आपका CH3CHO होगा इथेनल, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद ब्यूटेन 2-ओल, तो 4 कार्बन और उसके बाद OH ग्रुप, तो इसमें तो है ही नहीं OH ग्रुप, तो ये नहीं हो सकता। 1-ब्रोमो-प्रोपेन, तो यानी कि 3 कार्बन और पहले पे ही ब्रोमीन लगा हुआ, तो बिल्कुल सही है ये, तो 1-ब्रोमो-प्रोपेन ठीक है आपका। 1,2-डाई मिथॉक्सी इथेन, यानी इथेन के
जो है आपके फर्स्ट पे और सेकंड पे मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो लगा होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी ऑक्सी ग्रुप तो है लगा ही नहीं हुआ, इसमें तो एल्कोहल लगा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। वॉट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? तो क्लोरोफॉर्म होता है आपका CHCl3, ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म। तो ट्राई क्लोरो, और पहले ही कार्बन पे है तो ट्राई क्लोरो मीथेन, एक ही कार्बन है तो ट्राई क्लोरो मीथेन। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है आपका ये है। इसके कॉमन नेम्स जब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी तो अगर आपको तब तक याद करने, तो बेशक आपको कहीं से भी लिस्ट मिल जाएगी कॉमन नेम्स की, तो ये आप जिनके IUPAC नेम, जिनके जो ज़्यादा फेमस जो हैं कॉमन नेम से हैं, तो उनके फॉर्मूले देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट? सो बोरोन इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। वॉट इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड? तो विनाइल मैंने अभी आपको बताया कि विनाइल क्या है आपका, है इथीन। तो इथाइल, जब इथीन एज अ सब्सिट्यूएंट यूज होता है तो इथाइल हो जाता है वो, तो इथीन आपका कैसे लिखा जाएगा? और उसमें जो है क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये क्या है? दिस इज क्लोरो इथीन। तो दिस इज द IUPAC नेम। फॉर्मूला फॉर स्टायरीन, अगेन कॉमन नाम है तो ये याद करना पड़ेगा। बेंजीन से जो है, बेंजीन में जब आप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा देते हैं इथीन को, तो आपका स्टायरीन बन जाता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2NP3 फिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? तो नाइट्रोजन पे फिट होती है ये। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तो इथेन अमीन, यानी कि इथेन का मतलब हो गया दो कार्बन और अमीन ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ, तो देखेंगे इसमें तो ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये नहीं हो सकता। थ्री ब्रोमो प्रोपीन, तो यानी कि इसमें अमीन लगा हुआ है ब्रोमो की जगह, तो ये नहीं हो सकता। टू ब्रोमो, तो सेकंड प्लेस पे ब्रोमो। टू मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन यानी कि तीन कार्बन हो गए आपके, और उसके सेकंड पे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है और सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथाइल हो गया आपका CH3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 3CH3, CH3 तीन बार और उसके बाद बीच का कार्बन और फिर ब्रोमीन, तो बिल्कुल सही है ये। टू मिथॉक्सी प्रोपेनल, तो टू मिथॉक्सी का मतलब है मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है आपके सेकेंड प्रोपेनल पे। प्रोपेनल क्या हुआ? प्रोपेनल हो गया आपका तीन कार्बन का CHO लगा हुआ। तो क्योंकि आपका जो है, तो ये आपका हो गया प्रोपेनल और इसके जो है सेकंड कार्बन पे आपका जो है मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि OCH3 लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज दी हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस? सो इंडियम है ये जो है, इस में एज यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल आपका एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज होता जाता है, तो सबसे नीचे इंडियम आता है, तो इसलिए इसका हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस है। पीरियोडिक टेबल में मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? तो रस्ट में कार्बन नहीं होता, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है कार्बन होता है। द इनर्ट गैस विच इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज ज़ेनन। फ्लाई ऐश इज ऑर्गेनिक पर्टिकुलेट मैटर। विच एलिमेंट प्रोड्यूसिस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली? तो सिलिकन वेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूसिस हाइड्रोजन। ये सारे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर, ये इनवर्स है, ये भी सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट आपकी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन इज CuOH2। ये सारे रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के केस में होते हैं। जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते उन्हें नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। द गैस डिजॉल्व इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक इज कार्बन डाइऑक्साइड। द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर इज निल।
मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमल्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट. सो प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड. एडिशन ऑफ क्लोरीन टू रॉ वाटर बिफोर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्री क्लोरीनेशन. प्लेन क्लोरीनेशन वो होता है जब क्लोरीनेशन के अलावा और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना हो पानी को साफ करने के लिए, तो उस ट्रीटमेंट को प्लेन क्लोरीनेशन कहते हैं. पोस्ट क्लोरीनेशन ये होता है कि सारी ट्रीटमेंट होने के बाद जब क्लोरीन ऐड किया जाए तो उसे पोस्ट क्लोरीनेशन कहते हैं. सुपर क्लोरीनेशन वो होता है जिसमें जो है क्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में की जाती है, इतनी ज़्यादा कि बाद में पानी को जो है डीक्लोरीनेट भी करना पड़ता है. ये तब होता है जब आपका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीक्लोरीनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपने सुपर क्लोरीनेशन की हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट अ वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक, इट इज़ अ एयर फिल्टरेशन टेक्निक. ये क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री के आज तक पूछे जा गए हैं. और अब अगली वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी और थोड़े से रिएक्शंस के बारे में भी बताऊंगी और थोड़े से कॉमन नेम्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी. इसके बाहर कुछ और केमिस्ट्री से पूछा जाना मुश्किल है. तो आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर दूंगी मैं ये, और कल ही मैं आपका जो है बायोलॉजी का भी रिमेनिंग वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी. और हमें जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक हेल्थ एंड डिजीज़ पे भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं होपफुली जो है जल्दी ही डाल दूंगी. उसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करेंगे अपनी. स्टूडेंट्स देखिए, जहाँ तक फिज़िक्स की बात है, आप लोग मुझसे फिज़िक्स के वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो मैंने पहले ही एक वीडियो में दे दिए हैं आपको. फिर सेकेंड वीडियो में मैं आप पे एटमोसफियर और यूनिवर्स डिस्कस कर चुकी हूँ. तो अगर आप ध्यान से देखें तो फिज़िक्स में एज सच इससे बाहर और कोई ख़ास क्वेश्चंस जो है नहीं आते हैं. तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं फिज़िक्स के आपको प्रोवाइड कर दूँ. पर अदरवाइज़ आप देखेंगे कि फिज़िक्स में से जो जो पूछा जाता है इन GK पार्ट वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फॉर GK पार्ट. तो लेकिन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से भी आपके जो हैं 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. और अगर मैं आर्ट और कल्चर को भी इसी में मिला दूं तो 6 क्वेश्चन भी आपके बनते हैं. तो इसलिए हिस्ट्री करवाना बहुत ज़रूरी है, और आप उसे मत छोड़ के जाइएगा, आप उसे ज़रूर करके जाइएगा. तो होपफुली हम आने वाले 3 दिनों में आपका जो है GK का पोर्शन जो है बिल्कुल फिनिश करवा देंगे. हमारी GK की प्लेलिस्ट जो है वो आपकी जो है नीचे लिंक में दे रखी है. इसी तरीके से रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है स्पेशली डिज़ाइंड फॉर SSC JE वो भी आपकी जो है प्लेलिस्ट में दे रखी है. तो आप उन्हें वहाँ से एक्सेस कर लीजिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.